हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर सी सर की क्लास। इस तरह के सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते होंगे, जैसे किसके कहने पर तुमने उसको पैसे दिए, किसके कहने पर तुमने उससे शादी की। कुछ इस तरह के सेंटेंस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, आइए इसको समझते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, जिसका रिप्लाई आपको जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किसके कहने पर, इसके लिए हम लिखते हैं एट हुज बिहेस्ट। आइए इसके रूल को समझते हैं। सबसे पहले आपको एट हुज बिहेस्ट लिखना होगा, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, इसके बाद जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब को लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। किसके कहने पर तुमने दरवाजा खोला, एट हुज बिहेस्ट Did you open the door? Your past indefinite था। किसके कहने पर तुमने उसको पैसे दिए, यह भी past indefinite है। At whose behest did you give him the money? किसके कहने पर आपने मेरी मदद की है, यह present perfect है। At whose behest have you helped me? किसके कहने पर वह स्कूल जाएगा, यह future indefinite है। At whose behest will he go to school? किसके कहने पर वह रोज यहाँ आती है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एट हुज बिहेस्ट डज शी कम हियर एवरी डे। एक सेंटेंस आपके लिए, जिसका रिप्लाई आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। किसके कहने पर आप यह काम कर रहे हैं। उम्मीद है अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस को अब कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।